नमस्कार, आप देख रहे हैं द दशक 24। पेश हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में रेल पटरियों के पास बसी झुग्गियों को अंतिम निर्णय तक नहीं तोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि केंद्र और दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में है। रिश्तों पर भी भारी पड़ रहा है कोरोना का असर, टूट रहे हैं कई परिवार। इसका अंदाजा महिला एचसी ब्यूरो में बढ़ रही शिकायतों से लगाया जा सकता है। 6 माह में करीब 180 परिवारों पर बीमारी से ज्यादा परिवार टूटने का खतरा है। इसमें सर्वाधिक केस वर्ष 2018-2019 की शादियों के हैं। लॉकडाउन में पत्नियों को खर्चा न मिलने की दलील देकर साथ छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए PGI में हुए भर्ती। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें योगी सरकार के कई मंत्री चपेट में आ चुके हैं। 5 दिन पहले कारागार मंत्री जयकुमार जैकी कोरोना पॉजिटिव मिले थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुए पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के लोगों को 90 साल पुराना सपना जल्द ही सच होने वाला है। कोसी नदी पर नवनिर्मित रेल महासेतु बनकर तैयार है और जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। इससे 22 किलोमीटर में सिमटेगा 298 किलोमीटर का सफर। बता दें कि करीब 2 किलोमीटर लंबे इस कोसी महासेतु को बनाने का काम 6 जून 2003 को शुरू किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हुए कोरोना संक्रमित, सेल्फ आइसोलेशन में गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, हल्का बुखार होने के बाद कोरोना टेस्ट कराया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने स्वयं को एकांतवास में रख लिया है। अगस्त में उपभोक्ता महंगाई दर में मामूली गिरावट, लेकिन बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अगस्त में महंगाई दर 6.69% पर थी, जबकि इसके एक महीने पहले यानी जुलाई में यह 6.73% थी। अगस्त महीने का आंकड़ा अधिकतर अर्थशास्त्रियों के अनुमान से बेहतर रहा है। आरक्षण को लेकर गुज्जर समाज ने दिल्ली कूच करने की दी चेतावनी। राजस्थान का गुज्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। गुज्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डलवाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। लॉकडाउन की वजह से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जाना गंवाना पड़ा अपना रोजगार। एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि लॉकडाउन के दौरान जहां 79.23% महिलाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं 51.6% पुरुषों की नौकरी चली गई। इस सर्वे को देश के 20 राज्यों में किया गया। एक ही छत के नीचे आते जा रहे हैं खाड़ी के अरब देश, अब सऊदी अरब के इजराइल को अपनाने की बारी। बता दें कि पिछले महीने इजराइल और UAE के बीच पहली आधिकारिक उड़ान भरी गई थी, जिसे रिश्ते सामान्य करने के क्रम में एक बड़ा कदम माना गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अस्पतालों में भर्ती COVID-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस जैसा माने जाने के आदेश दिए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में 1 साल तक का ऐसा करने को कहा गया है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दशक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।